हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, हम आ गए हैं रसोई में, जो कि हमारा शाम का चौका लगाना बाकी रह गया था, तो हम लगा देते हैं चौका और उसके बाद में और बाकी का काम करेंगे। तो मिट्टी से हम पोत देते हैं इसको, चूल्हे को, और उसके बाद में हम बनाएंगे खाना आकर यहीं। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें। तो यहाँ का काम पहले हम कर देते हैं, झाड़ू पोछा हमारा हो गया है, तो उसके बाद में हम सब्जी वब्जी छीले काटेंगे। और चाय हमारी बन चुकी है, तो सबको चाय हम पिलाकर आए थे। हमने कहा चौका लगा देते हैं, उसके बाद में और हम सब्जी वब्जी काटेंगे आकर, और खाना भी बनाएंगे। तो थोड़ा खाना हम चावल आवल जो भी है, चावल और रोटी हम बना लेते हैं गैस पर, और सब्जी है वो हम चूल्हे पर बना लेते हैं। तो इधर हम आ गए थे, हमारा दूध शाम का जो हमने रखा था पकने के लिए आग पर, ये तो रोज़ का ही काम है, तो हम इसको जमा देते हैं और ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसको खाली करना पड़ता है पतीले को। जो सुबह हमारा दूध होगा वो फिर से इसमें रखना पड़ेगा पकने के लिए, तो इसको हम खाली करके साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर हल्दी मिर्चा पीसने के लिए, क्योंकि हम पिसा हुआ हल्दी मिर्चा नहीं डालते हैं, हम खुद अपना सिलबट्टे पर पीस लेते हैं लहसुन प्याज हर सारी चीज़ें। और मिक्सी भी है हमारे यहाँ, तो मिक्सी से नहीं पीसते हैं, क्योंकि मिक्सी का सबको पसंद नहीं है, उसमें ज़्यादा पीस जाता है। और इतना हमें अभी जल्दी से ही मिक्सी चलाई है, तो इतना हमें तजुर्बा नहीं है चलाने का, तो हम यही सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं हल्दी और मिर्चा जो भी हमें पीसना होता है, तो यहाँ पीस लेते हैं। उसके बाद में हम सब्ज़ी छौंकेंगे। तो सब्ज़ी हम काट कर रख चुके हैं, वो हमने आप सभी को नहीं दिखाया था। और जो हमारा सिलबट्टे पर जो भी हम पीसते हैं हल्दी मिर्चा, बहुत अच्छे से पीस जाता है और सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छे आता है। और जो हमारा ये मार्केट से हम पिसा पिसाया लेते हैं, उसमें इतना अच्छा कलर भी नहीं आता है सब्ज़ी में, और स्वाद भी नहीं आता है, तो इसीलिए बहुत से सारे लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ तो बहुत ही कम पसंद करते हैं वो मार्केट वाला हल्दी मिर्चा पिसा हुआ, तो इसीलिए हमको यहीं सिलबट्टे पर ही पीसना पड़ता है। जब वो मार्केट वाला यूज कर लेते हैं किसी किसी दिन, तो ये लोग कहने लगते हैं कि यार सब्ज़ी नहीं अच्छी बनी है, तो हम यहीं से पीस लेते हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। और कोई भी काम करो उसमें टाइम तो लगता ही है, और गांव में ज़्यादातर लोग सिलबट्टे पर ही पीस कर डालते हैं, क्योंकि मार्केट वाला नहीं लेते हैं। तो इधर हम आ गए थे, चूल्हा जलाएंगे और उसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। तो चूल्हा इस टाइम बहुत टाइम लग जाता है जलने में, क्योंकि भीगी सारी लकड़ियाँ होती हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। और जो हमने चौका लगाया था वो भी अभी सूखा नहीं था, तो इसीलिए टाइम लग जाता है जलाने में। तो हमारा जल गया है चूल्हा, और लकड़ी बराबर से हम छोटी छोटी पहले रख देते हैं, तो जल्दी से जल उसमें आग लग जाती है तो जल जाती हैं। तो परवल की सब्जी है और टमाटर हैं, आलू हैं, तो हम मिक्स करके इनको बना लेंगे। थोड़ा सा ही रसा रखेंगे सूखा सूखा, क्योंकि थोड़े से ही हमने चावल बनाए हैं और रोटी सेकेंगे। और आरो ही जा रही थी स्कूल, तो अभी हमें पराठे भी बनाने हैं, उसके लिए एक पराठा बना देते हैं और सबके लिए रोटी सेकते हैं। आरोही के पापा तो बिल्कुल ही पराठे पसंद नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर नहीं पराठे हम बनाते हैं, आरोही के लिए ही बना देते हैं। तो हमारा चूल्हा जल गया है, कढ़ाई रखेंगे, तो अभी कढ़ाई नहीं रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई रखने से ये जो हमारी जो भी लपट निकलती है तो ये निकल नहीं पाती है, तो जल्दी से जलता नहीं है, पूरी तरह से जल जाएगा तब हम कढ़ाई रखेंगे इस पर। और कढ़ाई भी नहीं जलेगी, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा ये जल रहा है तो धुआं से बिल्कुल कढ़ाई बेकार हो जाती है, तो मांजने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर से छुटती है। तो अब हमारा चूल्हा जल जाएगा, हमें लग रहा है जल गया है। तो इधर ये आरोही आ गई थी कटोरी लेकर, बोल रही थी कि मम्मा चावल बन गए हैं परसों, तो हमने कहा अभी परसेंगे, चलकर सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद में हम इनको खाना पहले दे देंगे,
और तब तक पराठे वराठे बना देंगे, इनको तैयार कर देंगे, स्कूल भेज देंगे। तो इधर हमने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि हम रिफाइंड नहीं यूज करते हैं, रिफाइंड सिर्फ पूड़ी और कचौड़ी में ही यूज करते हैं, और बाकी का सब्जी में जो हम यूज करते हैं सरसों का तेल ही यूज करते हैं। हमारे खेत में भी हो जाती है थोड़ी बहुत सरसों, तो इसीलिए सरसों का ही तेल यूज करते हैं। अब वैसे ज़्यादा लोग रिफाइंड भी यूज करते हैं, रिफाइंड की हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, सब्जी और पूड़ी उड़ी सारी चीज़ें खा लेते हैं रिफाइंड की। तो इधर हम काट लेते हैं टमाटर, तब तक हमारा मसाला भुंज रहा है। हमारा मसाला भुन गया था, हमने इसमें टमाटर मिक्स कर दिए और अब डाल देंगे परमल आलू, साथ में ही डालेंगे। तो हम डाल देते हैं इसमें परमल आलू और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवरेंगे और उसके बाद में पानी डालकर इसको ढक देंगे और थोड़ी तब तक ये पकेगी यहाँ सब्जी। हम चूल्हा सही से बार देंगे क्योंकि भूते ना सब्जी तब तक पकती रहेगी, और हम चलेंगे घर, वहाँ पर तब तक गैस पर हम रोटी सेक लेंगे थोड़ी सी और चावल बना लेंगे, उसके बाद में हम आरोही को भी भेज देंगे तब तक तैयार करके। हमारा खाना बन चुका है, अब सारे लोग खाना खा भी चुके हैं और सारे लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो इधर हम साफ़ कर रहे थे गैस, जो कि हमारा चूल्हा है बहुत गंदा हो गया था और पट्टियाँ भी गंदी हो गई थी, जो कि हम थोड़ा सा अगर गंदा होता है तो हम साफ़ कर लेते हैं रोज़ ही, लेकिन आज ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि चावल जो भी था उससे कुकर से वो माल जो भी निकलता है वो बाहर निकल गया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था। तो इसको साफ़ कर लेते हैं और हमारा नीचे का भी फर्श अर्श जो भी है उसको भी हम साफ कर लेंगे। तो हम किचन में पोछा लगा देते हैं क्योंकि बालू बहुत आ जाती है, और पोछा लगा देते हैं साफ़ हो जाएगा। उसके बाद में हम एक बोरा बिछा देंगे और इसके बाद में हम पूरा इधर चौकियों की सारी चीज़ें साफ़ करेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।